हाय एवरीवन कैसे हो आप सभी लोग आयो आप लोग अच्छे होंगे मैं हूं राहुल जेस एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जे आर ट्यूटोरियल में फ्रेंड्स आज अगेन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का लेक्चर वीडियो में लेकर आ चुका हूं दोस्तों जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे एथ स्टैंडर्ड के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट का लास्ट चैप्टर का लास्ट लेक्चर वीडियो जिसका नाम है दोस्तों फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र लेक्चर नंबर फोर जी हाँ दोस्तों काफी ज्यादा इमोशनल मोमेंट इसलिए भी है जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि दैट आई एम ए वेरी इमोशनल पर्सन ठीक है और शुरुआत भी मैंने जर्नी की ऐसे ही की थी जैसे कि आप जानते हो यार बहुत इमोशनल हो गया था स्टूडेंट्स की हालत देख के क्योंकि मैं खुद एक टीचिंग बैकग्राउंड का व्यक्ति था ठीक है ऑफलाइन क्लासेस वगैरह में पढ़ाता था लेकिन जब मैंने हालत देखी तो यार मेरे को रिलाइज हुआ कि यार आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है सब ट्वेल्थ के पीछे हैं टेंथ के पीछे हैं लेकिन मैंने सोचा कि यार आप लोग के लिए मैं खड़ा रहूँगा तो यार मैंने शुरुआत की थी सातवीं आठवीं नवीं दसवीं भी था कोई बात नहीं एलेवंथ भी था ठीक है ना ट्वेल्थ भी ये साल लॉन्च कर देंगे आप लोग के सपोर्ट के कारण जो हमें प्यार मिला है ना दोस्तों वो दोस्तों उसको हम हम लोग कभी ज़िंदगी में नहीं बोल पाएंगे आपने जो प्यार दिया जो सपोर्ट दिया है और वही सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिला है और वही मोटिवेशन से हमने आपके लिए काम किया है दिन और रात एक करके मेहनत किया है तब जाके आज मैं प्राउडली बोल सकता हूं कि राहुल सर ने अकेले के दम पे आपका पूरा साइंस सब्जेक्ट कंप्लीट करा दिया बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट करा दिया बहुत ही बेहतरीन तरीके से और आज हमारा ना एस भी कंप्लीट होने वाला है जैसे कि आप जानते हो जाग्राफी और सिविक्स तो पहले कंप्लीट हो चुका था हिस्ट्री हमारा ये लास्ट चैप्टर बचा हुआ था और आज ये लास्ट चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा यानी पूरा आपका एंटायर सिलेबस आपके राउसर ने अकेले पढ़ाया दोस्तों तो आप इसके लिए कुछ शब्द अगर बोलना चाहोगे तो कमेंट में जरूर से कमेंट कर देना क्योंकि मैं थोड़ा सा ये चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा सा बातें करें मुझसे ठीक है ना हम लाइव सेशन तो करते हैं आप लोग बहुत सारे प्यारे प्यारे बातें करते हो लेकिन आज भी कमेंट सेक्शन में भर दो यार जो भी दिल से निकलता है अच्छा निकलता है ना भर देना मोटिवेशन मिलेगा आज मैं बैठ के रीड करूंगा आप लोग के कॉमेंट को ठीक है चलिए तो एक और चीज़ मैं बता दूं कि जैसे आप लोग का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो आपको कंटिन्यूअसली पढ़ाई स्टार्टिंग से स्टार्ट कर देनी है आपके फाइनल एग्जाम में जो भी चैप्टर्स आने वाले हैं आपके स्कूल्स में एक बार बात कर लेना कि कौन से चैप्टर्स आएंगे वो बात करने के बाद आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हो और मैं बीच में एक पोल कंडक्ट कराऊंगा पोल में मतलब आप लोग को मैं ऑप्शन दूंगा कि कौन से कौन से चैप्टर्स आएंगे तो आप लोग मुझे बता दोगे तो उस चैप्टर्स के रिविजन भी आपके लिए मैं स्टार्ट करा दूंगा एकदम मजे में लास्ट मोमेंट रिविजन भी आपके लिए कराएंगे बहुत मज़ा आएगा आपको टेंशन बिल्कुल मत लेना आपके राहुल सर है कंटिन्यूसली आपके मेहनत करते रहेंगे ठीक है जब तक एग्जाम फाइनल खत्म नहीं होता ना तब तक आपके लिए है और एग्जाम खत्म होने के बाद भी थोड़ा दिन आराम दूंगा आपको थोड़ा दिन आराम दूंगा लेकिन उसके बाद आपको ना ऐसी ऐसी चीज़ें पता चलेगी जो आपको मजा आ जाएगा क्योंकि यार आप लोग को मुझे ना उस ऊंचाई पे लेके जाना है जहां पे आपने सोचा भी नहीं होगा तो आपके राहुल सर आपके बड़े भाई दादा दादा मनता था ना तुम्हें भला तो वो बैठे हुए हैं वहाँ पे वहाँ पे पहुँचाने के लिए आप लोग को तो प्लीज़ उस चीज़ के लिए मुझे सपोर्ट करते रहना क्योंकि आप सपोर्ट दिखाओगे तो अंदर से एनर्जी अपने आप निकलेगी ऐसे और दस वीडियो बनाऊंगा ठीक है लेकिन आप लोग का सपोर्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है तो इसीलिए हमारे प्लेटफॉर्म को जितना हो सके उतना शेयर करो ताकि हर बच्चा गरीब से गरीब बच्चे के पास भी ये वीडियोज है दोस्तों पहुँच सके और वो एटलीस्ट स्कूलिंग लेवल तक िटी एजुकेशन ले सके फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ कुछ चार्जेस नहीं ले रहा हूँ ठीक है जैसा कि आप जानते हो ठीक है चलो शुरुआत करते हैं आखिरी लेक्चर की मजा आने वाला आज तो हम क्या पढ़ रहे थे आपको मैं बता दो फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र यानी महाराष्ट्र स्टेट में क्या हो रहा था कि जो भी मराठी स्पीकिंग पीपल थे उनका कहना यह था कि हमें जो है ना हम हमारा स्टेट अलग कर दो महाराष्ट्र कर दो लेकिन मुंबई को लेकर काफी ज्यादा दिक्कत हो रहा था क्योंकि मुंबई में बायलैंग्वज लोग होते थे यानी कि अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग बहुत सारे थे तो उनका यह कहना था कि हम मुंबई को कंसिडर नहीं करने देंगे एज द पार्ट ऑफ द महाराष्ट्र मतलब महाराष्ट्र का एक हिस्सा बनेगा मुंबई वो हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे तो इस वजह से जो हमारा बहुत ज्यादा बोलते ना डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा क्रिएट हो गया था आंदोलन वगैरह बहुत ज़्यादा तेज हो गए थे काफ़ी ज़्यादा लोग अलग अलग तरीके से ये सब चीज़ें कर रहे थे तो वही हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारे आखिर लेक्चर है लेक्चर नंबर फोर में लेक्चर नंबर थ्री का पार्ट जो था हम पढ़ रहे थे ठीक है महाराष्ट्र संयुक्त अभियान जो चल रहा था हमारा वो सब चीज़ को एक करके आज हम लोग फाइनली एंड करेंगे तो बेसिकली अगर बात करें कि जब एक बार क्लियर हो गया कि जब ये मुंबई था लोगों ने जब क्लियर कर दिया कि भाई अब मुंबई जो है ना ये हमारे महाराष्ट्र का पार्ट जो है वो नहीं बनेगा पार्ट नहीं बनेगा तो लोगों के अंदर इसके प्रति बहुत ज्यादा गुस्सा ऊपर आ गया ठीक है ना क्योंकि नॉर्मली इतने दिन से मेहनत कर रहे थे आंदोलन कर रहे थे लेकिन एंड टू एंड पता चला कि ये जो मुंबई है इसको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे महाराष्ट्र में तो यहाँ पे पब्लिक एजिटेशन हो गया यानी कि बहुत ज्यादा भड़काव हो गया पब्लिक ने एक तरीके से आंदोलन कर दिया ठीक है ना दंगेबाजी हो गई वहां पर जिसके वजह से लगभग एक लोग सौ छे लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे कैसे हुआ बताता हूं तो बेसिकली हुआ यह था कि जैसे ही उनको पता चला कि यार मुंबई शामिल नहीं होगा तो लोग दंगे वगैरह पे उतर आए थोड़ा बहुत पब्लिक एजिटेशन होने लगा तो जो वो टाइम पे गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या कर दिया फायरिंग दे दिया फायरिंग को ऑर्डर दे दिया कि आप जो बात नहीं सुनेगा जो दंगे फसाद करेगा उसको फायर करो ठीक है तो फायरिंग में लगभग यहां पे क्या हो गया कि 106 पीपल की वहां पे क्या हो गई डेथ हो गई ठीक है पीपल वहां मार्टिर हो गए मार्टिर मतलब क्या हो गए शहीद हो गए ठीक है ना मार्टिर हो गए 이게? क्या हो गए शहीद हो गए अब शहीद हो गए इसका मतलब क्या हो गया वो देश के लिए लड़ रहे थे या फिर अपने राज्य के लिए ही लड़ रहे थे तो ऑब्वियसली शहीद हुए तो ये सब चीज़ जब देखा तो लोगों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया क्योंकि यार इतना ज्यादा मेहनत किया जा रहा था ताकि एक प्रॉपर तरीके से स्टेट का निर्माण हो सके लेकिन ये सब चीज़ नहीं हो पा रहा था जिसके वजह से इतने सारे लोगों ने अपनी जान भी गवा दी तो एक बेटे 106 पीपल नहीं थे ये सन थे सन ऑफ महाराष्ट्र महाराष्ट्र के बेटे थे ये यार तो 106 बेटे ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी ये चीज़ें जो है ना इतनी आसानी से चीज़ें शांत नहीं होने वाली थी जिसके वजह से हुआ यह था कि यहां पर जो संयुक्त महाराष्ट्र अभियान जो चल रहा था यहां पर तो वहां पर इनके इनके, इन तो नहीं बोलूंगा लेकिन वीर जो इंसान लोग थे इनके लिए मैं क्या बोलूंगा कि उनके लिए ना क्या बनाया गया एक स्मारक बनाया गया जिसको हम लोग बोलते हैं हुतात्मा स्मारक ये आपको नहीं पता होगा तो मैं बता दूं हुतात्मा हमारक हुतात्मा स्मारक मतलब आप जानते हो स्टैचूज बनाया जाता है स्टैचूज कोई भी अच्छा काम करता है तो उनके नाम पे स्टैचूज बनाया जाता है जैसे आपने गांधी जी का स्टैचू देखा होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल का इतना बड़ा स्टैचू पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊंचा स्टैचू है वैसे ही यहाँ पे हुतात्म स्मारक जो कि मुंबई में बनाया गया था फ्लोरा फाउंटेन जो एक जगह है वहां पे ठीक है ना नियर द फ्लोरा फाउंटेन ठीक है वहां पे उसके आसपास जो है फ्लोरा फाउंटेन पे बनाया गया उनका स्पारक स्मारक जो है मूर्ति जो है बनाया गया फिर फाइनली एक नवंबर को 1956 में यहाँ पे तो जो मुंबई स्टेट था उसको दर्जा गया था एज ए बायोलिंगल स्टेट क्या दर्जा गया था बाय लिंग बायलिंग मतलब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये जो स्टेट था ठीक है ये अलग से क्या रहेगा बायलिंगुअल स्टेट रहेगा महाराष्ट्र में पार्ट नहीं रहेगा बायलिंगुअल रहेगा मतलब मल्टीपल लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग यहां पे रहते हैं इस हिसाब से बायलिंगुअल स्टेट यहां पे एक नवंबर 1956 ठीक है ना यहां पे लिख देता हूं डेट एक नवंबर 1956 को यहां पे ये दर्जा उनको मिला ठीक है मुंबई को मिला तो यहाँ पे क्या हो गया कि बाद में 1957 में जो लोकसभा थे विधानसभा थे मुंसिपल कॉरपोरेशन जो मुंबई के थे वहाँ पे उसका इलेक्शंस जब हुआ 1957 में ठीक है ना उसके एक साल के बाद 1957 में जब ये सभी जो ऑर्गेनाइजेशंस थी चाहे वो विधानसभा हो चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो यहाँ पे मुंसिपल कॉरपोरेशन जो मुंबई का था उस टाइम पे तो इसमें जब जनरल इलेक्शंस करवाए गए नॉर्मली तो उससे एक चीज पता चला कि जो संयुक्त महाराष्ट्र जो समिति था उसको बहुत बड़ा सक्सेस हासिल हुआ क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया कि जो वो व्यक्ति थे मतलब ज्यादातर जो व्यक्ति थे वो यही चाहते थे ना कहीं ना कहीं कि आ, मुंबई को भी एक महाराष्ट्र का पार्ट बनाया जाए ठीक है ना तो ये बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल होता हुआ नजर आया और ये रिजल्ट से क्लियर हो गया कि जो वोटर्स है जो वोट करने वाले लोग हैं वो भी यही चाहते हैं कि जो मुंबई है ये जो, जो मुंबई है ये किस में शामिल हो जाए हमारे महाराष्ट्र में जो है वो शामिल हो जाए इस प्रकार से वो चीज़ें चल रही थी ठीक है तो वोटर्स ने किस में वोट दिया बायलैंग स्टेट के लिए वोट नहीं किया उन्होंने बोला कि ये महाराष्ट्र संयुक्त अभियान समिति का एक हिस्सा होना चाहिए महाराष्ट्र में शामिल होना चाहिए इस प्रकार से वेट किया वोट किया यहां पे तो उसके बाद क्या हो गया कि स्टैचू ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज को बनाया गया हमारे छत्रपति महान शिवाजी महाराज हमारे महाराष्ट्र के गौरव है वो ठीक है आप जानते ही होंगे उन्होंने क्या क्या कारनामा किया है हमारे महाराष्ट्र या पूरे देश के लोगों के लिए तो इस प्रकार से चीजें वहां पर हुई है ठीक है और इनका जो स्टैचू है वो बनाया गया था यहां पर प्रतापगढ़ ठीक है ना घोड़े पर बैठ के प्रतापगढ़ पर बनाया गया था आप जानते होंगे प्रतापगढ़ में उनकी बहुत ही प्रतिमा बनाई गई है ठीक है प्रतापगढ़ में बनाया गया एंड प्रतापगढ़ में बनाने के बाद यहाँ पे और किसके द्वारा उद्घाटन किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू थर्टीन नवंबर 1957 में ठीक है 30 नवंबर 1957 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि प्राइम मिनिस्टर थे आप जानते हो उस टाइम के तो उनके द्वारा उद्घाटन किया गया था एंड यहाँ पे जो उस टाइम पे क्या होता है जो महाराष्ट्र समिति जो थी ना उन्होंने डिसाइड किया था यहाँ पे कि वो जो है ना भाई माधवराव बागल हो गए और कुछ लीडर्स थे जैसे कि एस एम जोशी एन एम गोरे हो गए एन जी गोरे हो गए जयंतराव तिलक हो गए पी जी अटरे उद्धवराव पाटिल हो गए ठीक है ना उस टाइम पे वो सब प्रेजेंट थे और जितने भी अलग अलग डिमॉन्स्ट्रेशन जो थे ना वो यहाँ पे परसनी घाट एक और नाम है उसका पोलडपुर यहाँ पे होने लगे थे और समिति जो है यहाँ पे सक्सीड हो गई थी पंडित नेहरू जो है ना उनकी जो कंडीशन जो है ना वो सब सुना था कि यार मराठी स्पीकिंग पीपल जो है जो कंडीशन डिमांड कर रहे हैं उस हिसाब से वो चीज़ जो है फुलफिल किया जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी ना नॉर्मली उन्होंने फेवर किया था कि महाराष्ट्र मतलब जो उस टाइम पे जो सेंट्रल पूरे इंडिया की जो गवर्नमेंट थी वो भी फेवर कर रही थी कि ये जो पार्ट है मुंबई भी महाराष्ट्र में होना चाहिए और जितने भी मराठी स्पीकिंग का रीजन है वो सबको एक स्टेट में कन्वर्ट कर देना चाहिए और महाराष्ट्र नाम दे देना चाहिए यहाँ पे ठीक है तो वहां पर उस टाइम पे जो इंदिरा गांधी थी आप जानते हो ठीक है ना जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो सुपुत्री थी और उनके बाद जो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी बनी तो उनका भी यही था कि उन्होंने भी ये जो जो महाराष्ट्र समिति थी उनको सपोर्ट किया था और वो भी यही चाहती थी कि यहां पे महाराष्ट्र जो है निर्माण हो जाए और एक टाइम आ ही गया कि यहां पे दो अलग अलग लैंग्वेजेस बोलने वाले स्टेट को अलग कर दिया जैसे कि आप जानते हो कि एक हो गया गुजरात गुजरात को अलग करके जितने भी गुजराती पीपल थे गुजराती रीजन स्पीकिंग के लोग थे वहां पे अलग कर दिया और साथ ही में हमारे महाराष्ट्र के जो मराठी स्पीकिंग रीजन थे ठीक है ना उसको अलग कर दिया ठीक है महाराष्ट्र को तो ये दो चीज़ अलग हो गया उनके नेतृत्व में और इस एक्ट के अकॉर्डिंगली महाराष्ट्र स्टेट का निर्माण हो गया एक मई 1960 में यानी कि फाइनली महाराष्ट्र जो है वन मे 1960 के दिन प्रॉपर तरीके से एस्टाब्लिशमेंट हो गया एक कानून को पास कर दिया गया महाराष्ट्रियन एक्ट और इसीलिए हम दोस्तों ये जो तारीख है जिसको हम लोग बोलते हैं एक मे 1960 इसी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एज ए महाराष्ट्र डे ठीक है ना महाराष्ट्र डे के नाम से छुट्टी मिलती है ना हम लोग को एक मई पता है कि नहीं आपको अगर नहीं पता होगा मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि हमें पहले दिन के दिन जैसे हम लोग बोलते हैं लेबर डे भी बोला जाता है उसको वर्कर्स डे भी बोला जाता है तो वैसे एक मे को 1960 को यहाँ पे हम सेलिब्रेट करते हैं महाराष्ट्र डे जिसमें एक पब्लिक हॉलीडे होता है पूरे महाराष्ट्र में बैंक वैंक सब बंद होते हैं काम वगैरह सब बंद होता है ताकि सेलिब्रेट किया जाए कि उन्नीस में फाइनली महाराष्ट्र जो है वो बना था और सुबह सुबह महाराष्ट्र का एक मई उन्नीस में सुबह सुबह यहाँ पे एक स्पेशल सेरेमनी हुआ था राजभवन में लेबर डे के दिन उस दिन क्या था लेबर डे भी था इसीलिए यहां पे लेबर डे भी सेलिब्रेट किया जाता है ठीक है ना राजभवन में इसका एक सेरेमनी रखा गया था और वहां पे उस टाइम पे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया था फॉर्मेशन ऑफ ऑफ द स्टेट महाराष्ट्र महाराष्ट्र पे निर्माण हो रहा है उसको ऑफिशियली अनाउंस किया था और वहां पे जो पद संभाला जाता है क्योंकि अब स्टेट निर्माण हो गया तो वहां पे एक चीफ मिनिस्टर भी रहेंगे तो एक स्पेशल व्यक्ति थे जिनका नाम था यशवंत राव चौहान ठीक है यशवंत राव चौहान इनको क्या कर दिया गया था दोस्तों इनको एक स्पेशल पोजीशन सौंप दिया गया था एक जिम्मेदारी दे दी गई थी कि यशवंतराव चौहान को चीफ मिनिस्टर ऑफ द महाराष्ट्र स्टेट जो पहली बार 1960 में पूरा अच्छी तरीके से जो निर्माण हुआ था उस टाइम पे यशवंतराव चौहान को ठीक है ना यशवंतराव चौहान को क्या कर दिया गया था चीफ मिनिस्टर की उपाधि दे दी गई थी और उन्होंने भी खुशी खुशी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट किया था और बहुत ही अच्छी तरीके से अपना जो टेन्योर है एज ए चीफ मिनिस्टर वो पूरा किया था ठीक है क्लियर है दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा तो यही था दोस्तों हमारा इस चैप्टर के अंदर का पार्ट जो हमने डिस्कस कर लिया कि किस प्रकार फाइनली हमारा जो महाराष्ट्र स्टेट है जिसमें दोस्तों आज हम रहते हैं ये फाइनली 1960 के वो दिन एक मई उन्नीस के दिन ये जो महाराष्ट्र स्टेट है ये कंप्लीट एक स्टेट के रूप में सामने आया और उसको एक दर्जा मिल गया एज ए स्टेट समझ में आ गया क्लियर है दोस्तों तो यही था हमारा चैप्टर हमारा चैप्टर इसी के साथ दोस्तों फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ये होता है कंप्लीट और आपको मुझे बताने में बहुत ही प्राउड भी लग रहा है बहुत खुशी भी हो रही है और थोड़ा इमोशनल भी लग रहा है कि फाइनली दोस्तों हमारा एट स्टैंडर्ड का पूरा एंटायर हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है जी हाँ दोस्तों पूरा एंटायर हिस्ट्री कंप्लीट हो गया है बस अभी आपकी बारी है हमने तो आपका अपना पूरा काम कर दिया है बहुत ईमानदारी से बहुत ही मजबूती से और बहुत ही अच्छी तरीके से बस आपको अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहना है जो भी चैप्टर्स जो भी सब्जेक्ट के जो भी लेक्चर आप पढ़ना चाहते हो तो बस टाइप कर देना यूट्यूब के अंदर और उसके आगे जया टूटोल टाइप कर देना आपको हमारे वीडियोस देखने मिल जाएंगे पढ़ो खोलो पढ़ो अच्छे से कंसेप्ट नॉलेज क्लियर करो थोड़ा प्रैक्टिस करो बहुत ही अच्छे मार्क्स एग्जाम में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे ठीक है तो बस दोस्तों इसी के साथ समाप्त करता हूँ लेकिन टेंशन मत लेना सिलेबस खत्म हुआ है राहुल सर खत्म नहीं हुआ राहुल सर है अभी भी ठीक है तो राहुल सर आपके लिए और भी ऐसे कॉन्टेंट्स लाते रहेंगे चाहे वो रिवाइज करवाना हो चाहे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो आपके लिए बनाते रहेंगे आप बस हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रहना हमारे साथ इंस्टाग्राम से जुड़े रहना ताकि हमारे बीच में कॉन्र्सेशन और इंटरेक्शन भी होते रहे ठीक है सबका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूँ थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ठीक है एंड वीडियो और ये चैप्टर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि हमारी हेल्प करो आप लोग हमारी इस वीडियो को शेयर करने में ताकि बाकी लोग जो हिस्ट्री जोग्राफी सिविक्स ऐसे सब्जेक्ट से दूर भागते हैं उनको ऐसा लगता है कि यार ये कोई अच्छा नहीं पढ़ा सकता तो आपके राहुल सर ने भले ही राहुल सर का फील्ड नहीं है एस मेरा फील्ड था ही नहीं मेरा फील्ड साइंस था मैथ्स भी था लेकिन एस मैंने कभी नहीं पढ़ा था ये मेरा फर्स्ट टाइम था मैंने पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और बहुत ही अच्छी तरीके से डिलीवर किया है और उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमने पूरा किया ये आपको भी पसंद आया होगा ठीक है तो कॉमेंट करते रहना हमें बताते रहना एंड शेयर करना हमारे इस वीडियो को सब वीडियोज़ को जितने भी हम बनाते हैं चाहे वो साइंस के हो मैथ्स के हो इंग्लिश ग्रामर के हो या फिर सोशल स्टडीज के हो तो प्लीज शेयर टू द मैक्सिमम पीपल फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हो अगर कोई है ऐसा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अभी भी बिना सब्सक्राइब किए चोरी चोरी हमारे वीडियो देखता है दोस्तों तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना आप लोग के लिए प्यार दोस्तों दिल से निकलता है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल साथ में बाजू में बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर देना ताकि फ्यूचर में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी ठीक है दोस्तों तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय